तो दोस्तों खबरों में हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगा दोस्तों छोटा सा बेल आइकन बटन उसे जरूर दबाएं। दोस्तों इससे क्या होगा, जो भी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको बिना किसी रुकावट से मिलती रहेगी। दोस्तों अपडेट लगाई गई है, परिये पेंशनर्स बंधुओं नमस्कार आपको। कृपया ध्यान दें कि मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुझे सभी को सूचित करना है कि हमारे पेंशन प्रकरण को लेकर बहुत कुछ सकारात्मक गतिविधियां भारत में साथ चल रही है। कृपया संयम पूर्वक इंतजार करें। इसी बीच फिलहाल भारत सरकार के खिलाफ कोई नकारात्मक टिप्पणी न करें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी के निर्देश अनुसार विभिन्न मंत्रालय है मिलकर हमारी समस्या के समाधान की कुछ योजना बना रहे हैं। जैसे कि सीपीएफसी या सरकार द्वारा हमारे लिए किसी भी प्रकार के नए संशोधन या संरचना को तैयार करने के निर्धारित की गई प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। कार्यपालिका के कार्य करने का तरीका आपसे छुपा हुआ नहीं है, इतना तो आप भी जानते हैं कि ऐसे मामले में अंतिम निर्णय होने से पहले किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी हासिल अथवा पारपत नहीं की जा सकती है। हमारी केंद्रीय नीति थी पूर्णतया जागरूकता चौंकाना है एवं अपने स्तर से निरंतर हर तरह से उचित प्रयास कर रहा है। देश में हमारा कर्मठ साथी MEPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की विभिन्न स्तर की कमेटियां भी अपने अपने स्तर से सक्रियता पूर्वक कार्रवाई निरंतर रूप से कर रहे और रही है। इसी बीच हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अधिक सदस्य बनाकर हमारा संगठन को मजबूत प्रदान करें। मेरा निवेदन है कि बहुत अच्छी खबर सुनने के लिए हर नेता संयम पूर्वक पेंशन भोगियों को समझाए, मनाए एवं सभी भी धैर्य बनाए रखे। यह न केवल वर्तमान के 65,000 पेंशनर्स वरण करोड़ भावी पेंशनर्स पर होने वाली आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखकर क्या जाने वाला फैसला है एवं चार मंत्रालय का सीधा संबंध इस निर्णय में है। अंत में भगत लगना स्वाभाविक है, हमें जागरूक देते हुए सतत प्रयास करना रहना है। सादर रंजीत सिंह देसुदी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान एवं मुख्य समन्वय उत्तर प्रदेश भारत से। दोस्तों DOPT की तरफ से जो एक लेटर जारी किया गया है 25 नवंबर 2020 को, यानी कि कल, आप सब्जेक्ट इसमें देख रहे हैं। दोस्तों सब्जेक्ट में इसमें बताया गया है कि जो सरकार ने गुरुवार को होने वाली यानी कि आज होने वाली जो यूनियन हड़ताल है, 10 मजदूर यूनियन हड़ताल को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देश के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को हड़ताल में किसी भी रूप में भाग लेने से रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस संदर्भ में सरकार ने एक जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, केंद्रीय मजदूर यूनियन ने दावा किया है कि 26 जनवरी यानी कि आज जो हड़ताल हो रही है उसमें लगभग 25 करोड़ जो मजदूर है वो हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में सरकार घबरा गई है, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है जिससे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर है वो हड़ताल को लेकर पीछे हट जाए। अगर इस हड़ताल में कोई भी हिस्सा यानी कि भाग लेता है, कर्मचारी है जो पेंशन भोगी है, उसके लिए CC जो कंडक्ट रूल 1964 के तहत दोस्तों आप देख रहे हैं, इसमें जो रूल्स बताए गए हैं, जो CCS कंडक्ट रूल 1964 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी कर्मचारी पर जो इस हड़ताल में भाग लेगा। दोस्तों इस हड़ताल में हमारे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी है, उनकी मांगों को भी रखा गया है। जैसा कि इसमें बताते हैं, महंगाई भत्ता को जो अनफिक्स करने का एरियर देना, पुरानी पेंशन बहाली और जो FR-65 के तहत सरकार ने जारी किया है उसको वापस लेना बड़े मुद्दे शामिल है इसमें। दोस्तों हमारे केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी की 12 मांगों इसमें जो है वो शामिल की गई है। इस आदेश के तहत विभाग को कहा गया है अगर कोई भी कर्मचारी है जो पेंशन भोगी है, दोस्तों कर्मचारी है वो किसी भी तरह की जो कैजुअल लीव है या जो पंच लीव है वो लेता है तो उसको किसी भी तरह की लीव भी दी जाएगी। अगर कोई कर्मचारी इस हड़ताल में भाग लेता है तो उसका जो ब्यौरा है आपको भेजा जाए और उस पर सबसे सख्त कार्रवाई। अगर CFBNA बेंगलोर ने राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSA की ओर से एक प्रधानमंत्री एवं संबंधित जी को 21 नवंबर पेंशन की वर्दी को लेकर
संदर्भ में 20/10/2020 को एक पत्र लेकर 21 नवंबर की मांगों को लेकर आया है। यहाँ पर आपको मांगे में चार्ट में बताने वाला हूँ कि पत्र में 21 नवंबर की मुद्दों को गौर करने या अनुरोध करने करते हुए भी यह कहा गया है कि ईपीएस नारायण पेंशन को उपयुक्त विषय में ईपीएस नारायण पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन समिति के सदस्य ने मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए प्रतिनिधित्व किया। मुझे हाल ही में ज्ञापन और प्रस्तुत किया कि उन्हें अनुरोध कुछ इस प्रकार करें कि न्यूनतम पेंशन है वो 7500 कर दें। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 7500 के साथ ही मेडिकल सुविधा दी जाए। 31/5/2017 को ईपीएफओ की अधिसूचना में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में उल्लंघन किया कि जो दिनांक 1/10/2016 को LLP द्वारा नंबर यह नोट कर लीजिए फ्रेंड्स कि ईपीएस नारायण पेंशन की अंतिम वेतन के आधार पर बढ़ी हुई पेंशन मिले तथा गौर ईपीएस नारायण पेंशन के प्रपत्र में बाद में होने वाली योजना में शामिल किया जाए। और मुझे प्राप्त ज्ञापन में आपको सौंप रहा हूँ कि ईपीएस नारायण पेंशन की याचिका को जरूरतमंदों के लिए मदद करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बड़ी अपडेट बताई जा रही है कि ईपीएस नारायण पेंशन की न्यूनतम पेंशन है वो 7500 जल्द से जल्द करें, नहीं तो हम है वो रोड पर उतर जाएंगे। यानी 65 लाख पेंशन दे, आपको पता होगा कि एक साथ रोड पर उतरने पर देश में हंगामा खड़ा हो जाएगा, इसलिए सरकार को आना कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईपीएस नारायण पेंशन की लगभग तय मानी आपको दिसंबर या जनवरी में 7500 के साथ मेडिकल सुविधा दे दी जाएगी। तब तक के लिए हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन थी, अब जैसे ही हमारे कोई पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको सर्वप्रथम बता देंगे। फिलहाल इतना ही हमारे पास है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल दिसंबर और जनवरी का बताया जा रहा है कि आपको 7500 के साथ ही 4 सूत्रीय मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी। तो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आने तक आप इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक्स फ्रेंड, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।